हाँ जी नमस्कार। इस वीडियो में अपन अंतर पढ़ेंगे सीसा संचायक सेल और निकल आयरन सेल के बारे में। तो निकल आयरन सेल भी अपन पढ़ चुके हैं, सीसा संचायक सेल भी अपन पढ़ चुके हैं और निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल भी अपन पढ़ चुके हैं। तो निकल कैडमियम सेल कोई अलग से सेल नहीं है, निकल आयरन सेल में ही कैथोड को चेंज कर दिया, आयरन की जगह किसका बना दिया, कैडमियम का। तो निकल आयरन सेल का सुधरा हुआ जो रूप है वही अपना निकल कैडमियम सेल है। अपन को यहाँ पढ़ने हैं अंतर। अंतर जो है वो किस किस के मध्य हैं, तो अपन को एक तरफ तो लिख लेना है सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल। दूसरी तरफ है अपन के पास में निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल, निकल आयरन सेल। निकल आयरन सेल का सुधरा हुआ जो रूप है वो है अपन का निकल कैडमियम सेल। अब इन दोनों में यदि अपन अंतर पैदा करेंगे तो अंतर कहाँ कहाँ पे होगा, तो जहाँ जहाँ से अपन ने उसके पढ़ने की शुरुआत करी है वहीं से अंतर पैदा कर देना है। तो सबसे पहले तो इनकी पहचान में अंतर देखें। यदि अंतर देखें तो इसकी जो पहचान है ये एक अम्लीय सेल है। कैसा सेल है? अम्लीय सेल। दूसरा अपने पास में जब ये अम्लीय है तो विपरीत करो अंतर में, तो यहां पहला जो अंतर आएगा तो ये क्षारीय सेल है, ये क्षारीय सेल है। निकल आयरन में अंतर पूछ ले या निकल कैडमियम में अंतर पूछ ले, कैडमियम में केवल ऋण जो प्लेट हैं वो आयरन की जगह कैडमियम की है, बाकी दोनों सेल एक जैसे ही हैं, इलेक्ट्रोलाइट दोनों में एक जैसा ही है। तो सबसे पहले तो पहचान यदि इनकी देखी जाए तो पहचान क्या हो रही है कि ये तो जो सीसा संचायक सेल होते हैं ये तो अम्लीय सेल होते हैं। अम्लीय से मतलब इनके अंदर अम्ल उपयोग होता है, यहाँ पे अपने पास अम्ल उपयोग नहीं होता। तो निकल आयरन या निकल कैडमियम जो सेल है ये क्षारीय सेल है। दूसरी अपन यदि चर्चा करें तो इलेक्ट्रोलाइट की, क्या दोनों में एक जैसा ही इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है या दोनों में अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइट को ही अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। तो अपन पहले भी कई बार इलेक्ट्रोलाइट का हिंदी या इलेक्ट्रोलाइट का निम्नी अपन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोलाइट को ही अपन बोलते हैं विद्युत अपघट्य। अब विद्युत अपघट्य के रूप में कौन उपयोग होगा, तो ये है अपन का यहाँ पे तनु H2SO4, तनु H2SO4 या इसी को ही अपन बोलते हैं तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। दूसरा यहां पर अपने पास इलेक्ट्रोलाइट निकल आयरन या निकल कैडमियम में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH प्लस LiOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। तो दोनों के इलेक्ट्रोलाइट में भी क्या है, अंतर है। भाई एक सेल है उसमें इलेक्ट्रोलाइट जो भरा जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट्य को अपन देखें तो सीसा संचायक सेल में तनु H2SO4, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो KOH है और LiOH, इन दोनों का क्या है, मिश्रण है। इन दोनों का मिश्रण है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तीसरा यदि अपन पॉइंट पे चर्चा करेंगे तो सीसा संचायक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये द्रव अवस्था में होता है। सीसा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट द्रव्य अवस्था में होता है। यहां जो इलेक्ट्रोलाइट होता है एक मिश्रण के रूप में रहता है, यहां जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा ये एक मिश्रण के रूप में रहेगा।
इसकी एएच क्षमता अधिक होती है, एम्पियर क्षमता, एम्पियर आवर क्षमता। सीसा संचायक सेल की वजन और आकार के आधार पर देखें तो अपने पास में यह वजन में भारी होता है, वजन में भारी होता है। इधर यदि इसको देखेंगे तो वजन में हल्का होता है। इधर यदि देखेंगे तो इसको अनुरक्षण की आवश्यकता है, अनुरक्षण को अपन बोलते हैं मेंटेनेंस, मेंटेनेंस की आवश्यकता है। ये जो सेल है क्षारीय सेल, ये अनुरक्षण मुक्त है, ये अनुरक्षण मुक्त सेल है। इधर अपन चर्चा करें इनमें इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर आसुत जल मिलाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट सीसा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर आसुत जल मिलाया जाता है। इनमें आसुत जल का उपयोग, इनमें आसुत जल नहीं मिलाया जाता क्योंकि ये बनाने के बाद सील्ड हो जाते हैं, और सील्ड हो जाएंगे तो अपने पास में इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आसुत जल मिलाने के लिए कहीं कोई जगह ही नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सील्ड है इसलिए यहाँ पे आसुत जल नहीं मिलाया जाएगा। अपने पास में सीसा संचायक सेल में हाइड्रोजन गैस निकलती है तो चार्जिंग के समय वेंट प्लग खुले रहने चाहिए, वेंट प्लग खुले रहने चाहिए। यहां पर अपन लिखेंगे भाई अपने पास इनमें वेंट प्लग होते ही नहीं है, भाई खोलने का ऑप्शन तो तब होगा, बेंट प्लग होंगे तब, तो इनमें बेंट प्लग नहीं होते हैं। यहां पर दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं भाई बेंट प्लग किसके लिए खोलें, तो यहां चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस निकलती है, चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। यदि इनमें देखें तो इनमें चार्जिंग के समय कोई गैस बाहर नहीं आती, कोई गैस नहीं निकलती है, क्योंकि यह तो सील्ड कर रखे हैं, गैस निकलने के लिए जगह है ही नहीं, और जगह इसीलिए नहीं छोड़ी, यहाँ गैस बनेगी नहीं। यदि गैस बनने की कहीं गुंजाइश होती कि भाई हाइड्रोजन या कोई सी भी गैस बनेगी इसकी तरह हाइड्रोजन ही बन रही होती तो अपन उस गैस को बाहर निकलने के लिए जगह छोड़ते, लेकिन सीसा संचायक सेल में जब भी रासायनिक प्रक्रिया होगी तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो फिर निकलने के लिए जगह भी चाहिए, तो वेंट प्लग कैसे रखे जाते हैं खुले। दूसरा अपने पास इनको चार्जिंग के समय, चार्जिंग के समय चार्जिंग रूम के दरवाजे
और खिड़की, तो खिड़की और दरवाजे ये क्या होने चाहिए, बंद होने, सॉरी खुले होने चाहिए, दरवाजे खुले होने चाहिए। क्यों खुले होने चाहिए भाई, ये चार्जिंग की सावधानी का अंतर हो गया कि जब इसको चार्ज करें तो क्या सावधानी रखें और उसको चार्ज करें तो क्या सावधानी रखें। तो ये चार्जिंग के समय चार्जिंग रूम के खिड़की और दरवाजे खुले होने चाहिए। अब यहाँ तो कोई गैस निकल ही नहीं रही, तो अपने पास बंद कमरे में भी इनको अपन चार्ज कर सकते हैं। तो बंद कमरे में भी चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि गैस तो कोई यहाँ से निकलेगी नहीं, तो अपन को यहाँ कोई रिस्क नहीं है। लेकिन शीशा संचायक सेल को जब चार्ज करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन जब गैस निकलेगी तो उसको बाहर निकालने के लिए खिड़की और दरवाजे कैसे होने चाहिए, खुले हुए। खिड़की दरवाजे कैसे होने चाहिए, खुले हुए। अब सेल अपने पास हो गया तो अब कार्य लेंगे, तो अपने पास में दक्षता की यदि बात आए तो शीशा संचायक जो सेल है इसकी जो दक्षता होती है ये अधिक होती है, अधिक या अपन लिखेंगे 90%। इधर अपने पास इनकी दक्षता कम होती है, निकल आयरन या निकल कैडमियम की जो दक्षता है ये कम या कितनी रहेगी 80% तक होती है। दूसरा अपन यदि पॉइंट लिखना चाहें तो इनका आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है, इनका बोले तो शीशा संचायक सेल का, हेडिंग ऊपर लिख रखा है अपन ने इसलिए बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं, इनका आंतरिक प्रतिरोध कम होता है, इनका आंतरिक प्रतिरोध कम, कम में भी पूछे तो 2 ओम होता है, इनका आंतरिक जो प्रतिरोध है यह अधिक होता है। निकेल आयरन और निकेल कैडमियम सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिक होता है। चलो यहाँ तक अपने पास बोर्ड भर गया है, तो अपने पास में इसको मिटाना पड़ेगा। अब अपने पास मिटाना पड़ेगा तो अपन को एक बार इनको वापस से रिपीट कर लेते हैं। यदि इनको अपन वापस से रिपीट करें तो रटने के बजाय थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि अपन ने निकेल आयरन सेल भी पढ़ा, निकेल कैडमियम सेल भी पढ़ा। निकेल आयरन और निकेल कैडमियम सेल में संरचना अपन ने पढ़ी है, उनकी कार्यप्रणाली उस अपन ने पढ़ी है, चार्जिंग की विधि उनकी अपन ने पढ़ी है, दोष अपन ने पढ़े, प्रभाव पढ़े, कारण पढ़े, निवारण पढ़े, और उनके उपयोग पढ़े, उनकी दक्षता अपन ने पढ़ी है, उनके इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अपन ने पढ़ा है। ये सारे पॉइंट दिमाग में स्टेप बाय स्टेप घुमाते चलो, अंतर अपने आप निकलते हुए आ जाएंगे। तो पहले अंतर देखो भाई, अपन इन सेलों को अपन क्या है, अम्लीय सेल कहते हैं। भाई शीशा संचायक जो सेल है वो किस श्रेणी का है, अम्लीय सेल है। ये जो सेल है अपने पास में क्षारीय सेल है, निकल आयरन और निकल कैडमियम क्षारीय सेल है। दूसरा पॉइंट, शीशा संचायक सेल में इलेक्ट्रोलाइट या विद्युत अपघट के रूप में काम में लेते हैं तनु H2SO4 या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल में KOH+LiOH का मिश्रण, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और लिथियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण। तीसरा पॉइंट है भाई, इलेक्ट्रोलाइट द्रव अवस्था में आएगा, यहाँ इन दोनों का मिश्रण अपन बनाते हैं। या इलेक्ट्रोलाइट जो द्रव है तो वो अम्ल के अंदर पानी मिला रखा है इसलिए। चौथा पॉइंट है कि इसकी AH क्षमता जो होती है, शीशा संचायक सेल की AH क्षमता है वो अधिक है, निकल आयरन सेल की AH क्षमता जो होती है वो कम होती है। शीशा संचायक जो सेल होते हैं इनमें लेड शीशा भरा रहता है तो ये वजन में भारी होते हैं, और निकल आयरन निकल कैडियम सेल वजन में हल्के होते हैं। दूसरा, अनुरक्षण या मेंटेनेंस की आवश्यकता है शीशा संचायक सेल को। शीशा संचायक सेल में चार दोष थे, सेडिमेंटेशन दोष, कोरोजन दोष, बकलिंग दोष और सल्फेशन दोष। जबकि ये जो सेल है ये अनुरक्षण मुक्त हैं, ये जो सेल है निकल आयरन निकल कैडमियम या क्षारीय जो सेल है ये अनुरक्षण मुक्त हैं, तो यहाँ पे मेंटेनेंस की, अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ेगी, और क्षारीय सेलों में मेंटेनेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है,
इनमें इलेक्ट्रोलाइट कम होने पर अशुद्ध जल मिलाया जाएगा। भाई शीशा संचायक सेल है, उसके इलेक्ट्रोलाइट में शुद्ध जल मिला रखा है, सेल डेली चार्ज डिस्चार्ज होगा, ऊष्मा भी पैदा होगी तो जल के मात्रा में कमी आएगी। जब भी इलेक्ट्रोलाइट के लेवल में कमी आएगी तो इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या मिलाया जाता है, अशुद्ध जल या डिस्टिल वाटर या शुद्ध जल। लेकिन यहाँ पे सेल बनने के बाद सील्ड कर दिया जाता है, अब वो सेल में खुलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई अशुद्ध जल सेल बनने के बाद उपयोग में नहीं होता है। अगला आठवां पॉइंट है भाई, चार्जिंग के समय बेंट प्लग खुले रहने चाहिए। इसमें तो बेंट प्लग है ही नहीं, तो यहाँ बेंट प्लग खुलने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगला, चार्जिंग के समय हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, यहाँ बेंट प्लग ही नहीं है तो कोई वेंटिलेशन की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब चार्जिंग होगी तो किसी प्रकार की गैस का निर्माण नहीं होता है। चार्जिंग के समय चार्जिंग रूम के खिड़की दरवाजे खुले होने चाहिए शीशा संचायक सेल में, लेकिन वहीं पर अपने निकल आयरन सेल है तो अपन को खिड़की दरवाजे खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला पॉइंट है अपने पास में, दक्षता अधिक होती है शीशा संचायक सेल की, और इनकी जो दक्षता है ये कम होती है। दूसरी बात, शीशा संचायक जो सेल है, शीशा संचायक सेल, इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये कम होता है, और अपने पास निकल आयरन या निकल कैडमियम जो सेल हैं इनका जो आंतरिक प्रतिरोध है ये अधिक रहेगा। अब अपने पास जगह थोड़ी कम पड़गी तो एक दो पॉइंट और हैं, तो इनको अपन ऊपर से मिटा देते हैं। तो अपने पास में यदि दोनों सेलों को ढंग से पढ़ लिया, दोनों को ढंग से समझ लिया, तो अंतर वाली जो है, अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी के भी अंतर पढ़े, इन अंतरों को रटने की या याद करने जैसी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन फिर भी अलग से वीडियो बनाने इसलिए कि भाई अपन ने कुछ नहीं पढ़ा, डायरेक्ट अंतर ही पढ़ रहे हैं, तो अपन यहाँ भी एक साथ अपन इनको आसानी से समझ सकते हैं। बाकी अंतर अपने को वहीं अगर सेल के निर्माण में उपयोग में लेके चलते रहो। 12 पॉइंट हो गए थे। 13वां अंतर यदि अपन देखें, यदि शीशा संचायक सेल फुल चार्ज अवस्था में है, शीशा संचायक सेल फुल चार्ज अवस्था में है तो ये अपन को देता है 2.2 वोल्ट, 2.2 वोल्ट आउटपुट। फुल चार्ज पूर्ण आवेशित अवस्था में शीशा संचायक सेल देगा 2.2 वोल्ट, और ये पूर्ण चार्ज या फुल चार्ज या पूर्ण आवेशित या पूर्ण आवेशन की स्थिति में 1.4 वोल्ट, 1.4, यह हो सकता है अपन को कई जगह 1.4 नहीं मिले, तो एक ये भी याद रखना कि 1.5 वोल्ट भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो पूर्ण आवेशित होने पर 1.4 वोल्ट या 1.5 वोल्ट का क्या मिलता है अपन को आउटपुट, 1.4 या वोल्ट का, या 1.4 ही याद रखना, लेकिन 1.4 नहीं मिले तो 1.5। 13वां पॉइंट देख लो भाई, ये जब डिस्चार्ज होगा जब कितने वोल्टेज रहेंगे इसके अंदर, तो ये डिस्चार्ज अवस्था में यदि इसकी वोल्टेज चेक की जाएगी तो ये वोल्टेज आती है 1.8 वोल्ट। इधर अपने पास में डिस्चार्ज या अपन लिख सकते हैं निरावेशित अवस्था, डिस्चार्ज या निरावेशित अवस्था में वोल्टेज जो रहेगी वो रहेगी 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। कौन से सेल में, क्षारीय सेल, निकल आयरन या निकल कैडमियम सेल में डिस्चार्ज अवस्था में वो 1.1 वोल्ट रहती है इसकी वोल्टेज। शीशा संचायक सेल की डिस्चार्ज अवस्था में जो वोल्टेज होती है, ये जो वोल्टेज है ये अपन की 1.8। फुल चार्ज अवस्था में शीशा संचायक की वोल्टेज होती है 2.2 वोल्ट प्रति सेल, हर सेल की वोल्टेज जो रहेगी वो 2.2 रहेगी। और निकल आयरन या निकल कैडमियम में 1.4 याद रखना, 1.4 नहीं मिले तो फिर आंसर देना 1.5। तो 1.4 है अपने पास, 1.5 है, तो मेन अपने पास में अंतर यही है। यदि अपन दोनों को अच्छे से पढ़ लिया है तो दोनों के अंतर निकालने में अपन को कहीं तकलीफ आने वाली नहीं है। चलो, तो ये पॉइंट है अपन ने, लेकिन इसकी वीडियो की आवश्यकता यदि एक हिसाब से देखा जाए तो नहीं है, लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो बहुत है। यदि अपन अंतर वाली सारणी पढ़ेंगे तो दोनों सेलों का मोटा मोटा रिवीजन आसानी से हो जाता है। और अंतर यदि अपन करें भाई कि एनोड कैथोड किसके होते हैं, और भी अंतर यदि अपन करना चाहें तो एनोड कैथोड किसके होते हैं, तो अपन यहाँ दे सकते हैं धन और ऋण प्लेट बनाई किसकी जाती है। भाई धन प्लेट
और ऋण प्लेट किसकी बनाई जाएंगी? तो यहाँ जो धन प्लेट और ऋण प्लेट है ये दोनों ही किसकी बनेंगी? रेड लाइट की बनेंगी। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में रूप चेंज होता है, रूप अवस्था परिवर्तित होती है, वो अलग है। निर्माण जो होगा वो रेड लेड से होगा। अब निकिल आयरन और निकिल कैडमियम सेल में धन प्लेट जो बनेगी वो निकिल की बनेगी, या निकिल की जगह अपन को लिखा आ सकता है निकिल आलेपित स्टील, मतलब निकिल का लेप चढ़ा हुआ है स्टील के ऊपर। निकिल आलेपित स्टील की धन प्लेट बनेगी। दूसरा अपने पास में ऋण प्लेट है, ऋण प्लेट, तो ऋण प्लेट किसकी होगी? आयरन की, या फिर वो अपन को दे सकता है आयरन हाइड्रेट, आयरन हाइड्रेट। तो इस तरीके से अपन प्लेटों के बीच भी अपन अंतर देख सकते हैं। भैया कि दोनों में एक जैसी प्लेट नहीं है, दोनों की प्लेटों में भी क्या है, अंतर है। तो ये अपने पास में निकिल सीसा संचायक सेल और निकिल आयरन सेल के अंतर। अब अपन यदि और ना एक और अंतर यदि अपन देना चाहें तो वो भी पॉइंट अपन यहाँ पे जोड़ सकते हैं। भाई इनके उपनामों का भी अंतर आ सकता है, भाई उपनामों का भी अंतर अपन को मिल सकता है, तो ये भी ध्यान रखना। वो भी मैं यहीं पर रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि दोनों के बीच अंतर पढ़ने का मतलब ये है कि दोनों सेलों का अपन रिविजन कर रहे हैं, दोनों सेलों का रिवीजन कर रहे हैं। यदि उपनाम वाली बात आए तो सीसा संचायक सेल का एक उपनाम तो अपन ने क्या पढ़ा था, अम्लीय सेल भी बोलते हैं इसी को, इसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय सेल। इसको अपन बोल, इसको अपन बोलते हैं क्षारीय सेल, इसको क्या बोलते हैं, क्षारीय सेल। इसका दूसरा जो नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है एडिशन सेल। निकिल आयरन या निकिल कैडमियम सेल का दूसरा जो नाम है वो है एडिशन सेल। इधर यदि अपन दूसरा नाम ढूंढें तो ये जो सीसा संचायक सेल है इसको अपन इंग्लिश में लिख दें कि लेड एसिड सेल, इसी को इंग्लिश में लिख दें। तो उपनाम है अपने पास अम्लीय सेल, क्षारीय सेल, लेड एसिड सेल, और इसको अपन बोलेंगे एडिशन सेल। दूसरा अपने पास ये जो सेल है इनको अनुरक्षण मुक्त सील्ड सेल भी बोला जाता है, अनुरक्षण मुक्त सील्ड सेल। भाई अनुरक्षण से मुक्त हैं और सील्ड हैं, मेंटेनेंस फ्री हैं, जबकि ये अनुरक्षण युक्त सेल है, यहाँ अनुरक्षण की आवश्यकता पड़ती है, इनका जो अनुरक्षण है वो अधिक होता है, और ये अनुरक्षण मुक्त सेल भी कहलाते हैं। तो कौन सा सेल अनुरक्षण मुक्त है, तो निकिल आयरन या निकिल कैडमियम या एडिशन सेल। तो इस टाइप से अपन यदि अंतर को जब पढ़ेंगे तो दोनों जो सेल हैं दोनों सेलों का मोटा मोटा अपना रिवीजन हो जाता है। तो ये हुआ आपका दोनों सेलों का अंतर, सीसा संचायक और निकिल आयरन सेल का दोनों का अंतर। यदि और भी कहीं आपके कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और वीडियो यदि आप लगातार देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक मार दिया करो, क्योंकि आपके लाइक से हमारे भी हौसले बने रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।